एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ पूरा अपना जितने भी मेरे पास चूड़ियाँ हैं उनका कलेक्शन। साथ में ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास किस तरीके के बैंगल बॉक्स हैं पुराने, और मैंने जो अभी नए बनाए हैं DIY करे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने पहले अपने जितना भी कलेक्शन था शादी से लेके अब तक जो मैंने जोड़ा है धीरे धीरे, वो सब मैंने निकाल लिया है। इसके साथ साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंगल बॉक्स नहीं थे, शादी के टाइम पे ही मैंने कुछ बैंगल बॉक्स खरीदे थे वो ही मेरे पास हैं, और रिसेंटली मैंने भी कुछ भी परचेज़ नहीं किया है अपनी बैंगल्स को रखने के लिए। मार्केट के अंदर कई तरीके के बैंगल बॉक्स आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं और हैंडमेड जो हम लोग कपड़े के बोलते हैं उस तरीके के भी बैंगल बॉक्स आते हैं। तो मेरे पास ये इस तरीके का है जो कि छोटी सी एक अटैची के टाइप का होता है, इस तरीके से बैंगल बॉक्स है ये मेरे पास। बहुत पुराना था और देखिए इसकी हालत देख के आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितना पुराना होगा। ये सबसे पहले मैंने परचेज़ किया था और देखिए इस तरीके से पूरा यहाँ से ये हट गया है। इसको मैंने एक दो बार सही भी किया था लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चला, और इसके बाद मैंने सेम ऐसे ही एक और छोटा परचेज़ किया था जिसमें हम सेम दिक्कत वैसे ही आ रही है कि ये भी इस तरीके से यहाँ से हटना स्टार्ट हो गया है। बट इसकी कंडीशन अभी इतनी ख़राब नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छे से अभी ही संभाल लूँगी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और मार्केट के अंदर कई तरीके के बैंगल बॉक्स आते हैं बट मैंने कुछ नहीं परचेज़ किया था। इसके बाद मैंने एक ये इस तरीके का बैंगल बॉक्स देखा था तो मैंने तुरंत ले लिया था, मुझे काफ़ी पसंद आया। ये प्लास्टिक का है और इस तरीके से इसमें पाइप्स हैं प्लास्टिक के, इसमें कुछ भी टूटने का या गिरने का नहीं है, और इवन आपको दिखता भी रहता है कि आपकी कौन सी बैंगल्स यहाँ पे रखी हुई है। तो ये वाला बैंगल बॉक्स मुझे तो ये वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है साइज में, आप किसी को इस तरीके से बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा एक सूट का पीस था वेलवेट का, उसी से ही मैंने इसको पूरा डेकोरेट किया है, कुछ लेस वगैरह लगा दिए, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है ना। जैसे नई किसी की शादी हो तो आप उसको इस तरीके से बैंगल बॉक्स बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया है क्योंकि मैंने इसके काफ़ी जो लेयर्स हैं उसको हैवी कर दिया था इसलिए। तो एक तो मैंने ये वाला बनाया, तो सेकंड जो मैंने बनाया है काफ़ी बड़ा बनाया है कि मेरे एक ही बार में सारी जितनी भी बैंगल्स हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जब तक मैं सारे कलर्स के पेयर बना लेती हूँ तब तक आप देखिए कि मैंने बैंगल बॉक्स किस तरीके से बनाए हैं, और आप भी उसको बना करके अपनी सारी चूड़ियों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो बैंगल बॉक्स बनाने के लिए हमें लेना है घर के ही वेस्ट का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को साइड से कट करके निकाल लिया है क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ जो इस तरीके से फोल्ड करने वाला पोर्शन है वो भी अभी थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी मैं कट करके यहाँ से निकाल दूँगी। तो इस तरीके से पहले हम अपने बोर्ड की पूरी शेप जो है बॉक्स की वो तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर आगे काम करेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का सा है, तो इसी को मैं थोड़ा सा हैवी करने के लिए सेम इसी साइज़ का मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस यहाँ पे कट कर लिया है, और इसको मैं फेविकोल की हेल्प से इसी पे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद अच्छे से देखिए इसको साइड में से कॉर्नर्स जितने भी हैं इस बॉक्स के उसको हम मास्किंग टेप से यहाँ पे बंद कर देंगे जिससे कि हमारी शेप और भी ज़्यादा अच्छी आए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला बोर्ड मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है, और अब इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको मैं मास्किंग टेप से यहाँ से कवर कर दूँगी, इससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और हमारा बोर्ड जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों तरफ आपको अच्छे से मास्किंग यहाँ पर लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ मास्किंग लगा ली है, सेम इसी तरीके से बेस को भी थोड़ा सा हार्ड करने के लिए सेम इसी शेप का मैंने कार्डबोर्ड का पीस यहाँ पे कट कर लिया है। दो पुराने पाइप लिए हैं जिनको कि मैं इस तरीके से बैंगल बॉक्स के अंदर लगाऊंगी, कट कर लिया है मैंने इनको सेम इसी साइज़ में जितनी मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक ये सूट का पीस वेलवेट का पीस है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसी को मैं इस पर पेस्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कई पीसेज में इस कपड़े को कट करा है, तो ऊपर वाला पूरा एक ही पीस मैंने कट किया है जिससे कि मैं इसको इजीली यहाँ पे चिपका सकूँ। तो चिपकाने के लिए मैं फेविकोल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लू गन का या फिर किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि अच्छे से आपको अपने पूरे फैब्रिक को चारों तरफ से अच्छे से चिपकाना है जिससे कि हमारा बॉक्स जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए फेविकोल को मैं लगाती जा रही हूँ, अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ कि पूरा कपड़ा ईजीली से ही इस पर चिपक जाए। तो इस तरीके से पूरे बॉक्स को ऊपर से कवर करने के बाद सेम
सेम इसी तरीके से हम अंदर की साइड से भी यहाँ से इसको कवर करेंगे। तो इसके बाद हमारा पूरा बॉक्स जो है वो इसी कपड़े से कवर हो जाएगा। तो कॉर्नर्स वगैरह को कवर करने के बाद हम एक पीस और कट करेंगे, जिससे कि हम अंदर वाला जितना बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पे कवर कर पाएँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पूरे इसको कॉर्नर्स को भी कट करके अच्छे से इसको यहाँ पे चिपका दिया है। अब मैं एक इतना बड़ा कपड़ा कट करूँगी जो कि हमारा ऊपर से लेके और अंदर के साइड तक पूरा अच्छे से लग जाए। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने पूरे फैब्रिक को अच्छे से चिपका लिया है, और जो नीचे जो मैंने बोर्ड तैयार किया था उस पर मैंने अलग से यहाँ पर फैब्रिक को चिपका के इसके अंदर मैं फिक्स कर दूंगी। तो देखिए, हमारा पूरा जो बॉक्स है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमें इसे करना है थोड़ा सा डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेस, और लेस को कॉर्नर पे इस तरीके से लगा लूँगी। ग्लू गन के हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ, इससे जल्दी भी लग जाएगा और ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से पूरे कॉर्नर पर मैं इस लेस को यहाँ पर लगा दूँगी। डेकोरेट करने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मिरर वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बारी आती है इसे ओपन करने के लिए क्या लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वेलक्रो। कोई भी बटन या फिर किसी इस तरीके की चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। वेलक्रो का एक पोर्शन मैं लगाऊंगी ऊपर के साइड, और जो दूसरा हिस्सा है वो मैं लगाऊंगी नीचे के साइड। तो इस तरीके से हमारा वेलक्रो भी लग के यहाँ पे तैयार हो गया। अब ये ईजिली हम बंद कर सकते हैं और ईजिली हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पूरा जो बॉक्स है वो डेकोरेट हो गया है। अब हमें पाइप को रोकने के लिए कुछ कॉर्नर्स को तैयार करना है। तो मैंने एक ढक्कन को 4 पीसेस में कट कर लिया है, और पाइप पे यहाँ पे गोल्डन स्प्रे पेंट यहाँ पे मैंने कर लिया था। तो उसी के साथ अब मैं जितने कॉर्नर्स मैंने कट किए थे ढक्कन के, वो मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। थोड़ा सा हार्ड लें आप कोई भी चीज़ लें पाइप को रखने के लिए, और ये देखिए कितने अच्छे से दोनों तरफ यहाँ पे स्टिक हो गए हैं। तो कोई भी ढक्कन हो किसी भी शीशी का, तो उसी का मैंने कट कर लिया था प्लास्टिक का। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे मैं कॉर्नर पे बाहर के साइड में एक लगा दूंगी बटन, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ये वाला जो बटन है ये एक राखी का था, तो उसी को मैंने बहुत दिन से बचा के रखा हुआ था, तो देखिए आज यूज़ आ ही गया। सेम इसी तरीके से सेकेंड बैंगल बॉक्स भी यहाँ पर मैं बना के तैयार कर लूँगी। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो इसको पहले मैं शेप दूंगी कि कितना मुझे कट करना है। तो देखिए, शेप देख के और मैंने इसको डबल कार्डबोर्ड से कवर भी कर लिया है कि ये अच्छे से हैवी हो जाए। नीचे वाले बेस के लिए अलग से एक कार्डबोर्ड का पीस यहाँ पे कट करके मैं लगा दूंगी, सेम पहले वाले की तरह। तो देखिए, इस तरीके से ये भी मैंने तैयार कर लिया है कटिंग वगैरह करके। पूरा जितना भी कॉर्नर्स हैं उन सब पे मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। नीचे के लिए कार्डबोर्ड भी यहाँ पे कट कर लिया है। अब बस हमें यहाँ पे लेना है फैब्रिक। तो ये मेरे पास एक ब्लाउज का पीस पड़ा हुआ था और एक छोटा सा पीस था, तो ये मैं एक ही साथ नहीं लगा पाई। तो इसके साथ मैं एक दूसरा भी कपड़ा ले रही हूँ जिसको कि मैं मैच करके इसमें लगा दूंगी। तो बस सेम उसी प्रोसेस से हमें पूरे कपड़े को इसके अंदर लगा लेना है, और हमारा फटाफट से दूसरा बैंगल बॉक्स भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बैंगल बॉक्स बनने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो इस बॉक्स को भी मैं इसी तरीके से फटाफट से तैयार कर लिया है, वेलक्रो वगैरह लगा ली है, पूरा फैब्रिक अच्छे से फेविकॉल से कट करके लगा लिया था। और देखिए, कॉर्नर्स पे इस तरीके से एक प्लास्टिक का कटिंग करके मैंने इसको लगा लिया, और देखिए मेरा दूसरा बैंगल बॉक्स भी यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे बैंगल बॉक्स वगैरह सब तैयार हो गया है, अब लगाते हैं फटाफट से बैंगल्स। तो ये है मेरा शादी का सेट जो कि मैंने अपनी शादी में पहना था। उस टाइम पे इसी तरीके के काफ़ी हैवी डिज़ाइंस चलते थे, और अब तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइंस आने लगे हैं। और अभी तक मैंने इनको दोबारा से रिपीट नहीं कराया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं लगा इनको दोबारा से पहनने का। चूड़ियों का कलेक्शन हर घर में हर औरत के पास मिलेगा, क्योंकि पहने कोई नहीं लेकिन होती सबके पास ही है। मैंने भी, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि कोई फेस्टिवल होता है या कोई वेडिंग होती है तो ही मैं अपनी साथ के सेट की चूड़ियाँ बनवाती हूँ। इस तरीके के जो कड़े के सेट हैं ये चूड़ियों के एंड में लगाने के लिए काफ़ी काम आते हैं, बट मुझे तो बहुत, अब ज़्यादा नहीं पहनती हूँ मैं। तो ये वाला जो सेट है एक, ये कुंदन का है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और ज़्यादातर मैं इन्हीं को ही डालती हूँ। बहुत ही अच्छा है, जैसे कोई भी आपका कपड़ा
कपड़ा वगैरह भी खराब नहीं होगा। आप आगे पीछे एक एक डाल करके इसके बीच में कोई भी कलर की चूड़ियाँ इसके साथ डाल सकते हैं। पहले बहुत वर्क वाली चूड़ियों का ट्रेंड में था, बट अभी लेटेस्ट में प्लेन चूड़ियाँ और इस तरीके से कुंदन या फिर कोई भी आगे पीछे आप कढ़ाई से लगा सकते हैं। तो ये जो कलर है थोड़ा सा कॉपरिश गोल्डन शेड है, तो मेरी हर साड़ी के साथ ये जाता है, तो मैं ज़्यादातर यही कुंदन का सेट पहनती हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है। आपको बना के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में बस इस तरीके से कुंदन के मैंने अपने दोनों कड़े डाल लिए हैं। बीच में जो भी कलर आपको डालना है वो आप डाल के इस तरीके से इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये था मेरा सारा बैंगल्स का कलेक्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आप लोगों ने मेरे बैंगल बॉक्स DIY भी देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फटाफट से सारी मैं अपनी जितनी भी बैंगल्स हैं उनको अरेंज कर लेती हूँ बैंगल बॉक्स में लगाने के लिए। तो मैंने इस तरीके से कलर वाइज सारी चूड़ियों को अरेंज करके यहाँ पर लगा लिया है, और बॉक्स के अंदर जब मैंने लगाया है उसके बाद भी बॉक्स के अंदर इतना स्पेस था कि मैं एक्स्ट्रा भी एक पाइप इसके अंदर और लगा सकती हूँ, जिसमें कि मेरी बहुत अच्छे से जितने बैंगल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। और जो छोटा वाला बॉक्स मैंने यहाँ पे बना के तैयार किया है उसके अंदर मैंने जितने भी अपने फैंसी कड़े हैं उनको यहाँ पे लगा लिया है, जो कि मुझे ध्यान रहे और इजीली ही मुझे मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए मेरे दोनों बॉक्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे। इसके बाद जितने भी मेरे एक्स्ट्रा पुराने बॉक्स थे उनको भी मैंने फटाफट से यहाँ पे सही कर लिया है। ये वाला बॉक्स मैंने बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल नया ही हो गया है। तो इसमें मैंने लगाई है अपनी शादी वाली जितनी भी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो, और इसके साथ देखिए मैंने सारे बैंगल बॉक्स यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये बैंगल बॉक्स DIY पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।